तो नाश्ता भी डन और अब वो इम्पोर्टेंट काम जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो करेंगे। तो ओके, इग्नोर द मेस, पीछे जो भी है। तो बहुत टाइम से कृष्ण जी के लिए, यानी कि इन सर जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ऑर्डर, नहीं बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया हुआ था और वो कल ही पहुंचा है। काफ़ी लेट डिलीवरी हुई है। इसके पहले मैंने सोचा जाकर ही शॉप से कुछ इनके लिए लेकर आया जाए, बट वो कब चक्कर लगता कुछ कह नहीं सकते थे, तो इसलिए इसका वेट ही करना पड़ा। एंड मुझे ये आप लोगों को दिखाना था क्योंकि दे आर सो क्यूट, इनके कपड़े इतने प्यारे आए हैं कि मुझे मन ही हो गया कि नहीं दिखाना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए, मैं दिखाना ही चाह रही थी। अरे 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 अरे, अच्छा एक में पैंट भी है छोटी सी, कहाँ गया वो छोटी पैंट। सी कितने प्यारे कपड़े हैं, और ये उनका छोटू सा पैंट है। एक्चुअली मैंने इनके नैपीज भी मंगवाई वो अभी आई नहीं है, तो मैंने इनको नहला दिया है। और ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, ये बांके बिहारी से हम लोग लेकर आए थे बहुत टाइम पहले। तो इनके पास जो बांसुरी और मुकुट और जो इनके पुराने कपड़े थे वो मैंने सारे धुल दिए, और अभी ठंड है तो मैंने सोचा इनके लिए कुछ ठंड के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डर किया जाए। तो ये इनके क्लोथ हैं, तीन आए हुए हैं, और ये मैं इनको शायद पहनाऊँगी 25 दिसंबर, सेंटा क्लॉज की तरह इनको तैयार करूँगी। और ये वाला भी देख लेते, ये वाला मैंने नहीं देखा। ये करते करते भी दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, लाइक मुझे और क्या काम करना है, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं दिमाग में। ये क्या है, इनकी रोब है क्या ये, ऐसे मतलब पहना के कुछ होगा, देखूंगी जहाँ से ऑर्डर किया। तो मुझे इसके बाद भी बाहर निकलना है और वेजिटेबल्स वगैरह लाने, बट इसके पहले ये तैयार, इनको पहले अच्छे से पहना देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी बात लेती हूँ। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, कैसे पहनाया जाएगा। ओके, अरे वाह, आप तो राजा बेटे बन गए। पहले पैंट पहना देना चाहिए क्या, पैंट के लिए तो जगह ही नहीं है इसमें। चलो ये नहीं, ये पहनाने का, फिर ये तो ऐसे ही कवर हो गया, इसको पहनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, फिर कभी। तो इनको पूरे अच्छे से तैयार कर दिया है। अब आज, अब ये मुकुट और बांसुरी अभी के लिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे है इनका, तो ये पूरा कितने क्यूट लग रहे ना, लग रहे ना क्यूट। तो बस मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहती थी, यही बहुत इम्पोर्टेंट, इसको ही मैंने बहुत इम्पोर्टेंट काम बोला था, क्योंकि जितनी जल्दी पहना दो उतना अच्छा, इनको ठंड भी लग रही होगी ना। ओके, तो अब इनको हम लोग रख कर आते हैं जहाँ से ये आए हैं, मतलब मंदिर में, बाद में रखेंगे, थोड़ी देर इनको यहीं बैठने देते हैं, थोड़ी देर ये हमारे साथ ही रहेंगे, थोड़ी देर ये हमारे साथ बातें करेंगे। ओके, तो किस काम की बात कर रहे थे हम लोग, यस कल ऑर्डर किया सामान और उसमें वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद मतलब याद आया, और मुझे लगा फ्रिज में कुछ तो होगा, बट कुछ भी नहीं है। और मुझे आज एक स्पेशल रेसिपी जो मुझे मतलब अपने क्लाइंट्स को देनी है वो मुझे बनाना, उसके लिए मुझे सब कुछ ग्रीन ग्रीन चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल, यानी कि पालक, कैप्सिकम और मटर, तो ये सब चीज़ें मुझे लेकर आनी है। तो मैं अभी जल्दी से, इसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट काम हो गया, इनको नहला दिया, तैयार करा दिया, खाना वाना भी खा लिया इन्होंने, तो अब इसके बाद हम लोग काम करेंगे, मेरा काम मतलब जो मेरा काम है, अभी सारे क्लाइंट्स को लाइन से उनकी सारी रिपोर्ट चेक करनी है। और मतलब कितना अच्छा होता है ना अगर आपको एक अच्छी टीम मिल जाए तो काम बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि अभी मेरे पास ऐसी अच्छी टीम है कि आप उन पर रिलाई कर सकते हो, तो उसकी वजह से थोड़ा काम भी आपका कम हो जाता है। तो बस मैं उन सबकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करूँगी और दोपहर में ही वो जो रेसिपी वो तैयार करके कोशिश करूँगी कि हो ही जाए आज, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक वो डालना है, वो रेसिपी किसी को देनी है, वो जो मेन डिश है वो उसमें ऐड करनी है किसी के डाइट में, तो इसलिए
सब लोग मतलब ऐसे नहीं होते ना कि उनको सब कुछ आता रहे, तो कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि आप बता दीजिए कैसे कैसे बनेगा करके। तो इसीलिए मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ कि इनकेस अगर कोई मेरे से पूछेगा कि कैसे बनेगा, तो मैंने बनाया हुआ मेरा बनाया हुआ मैं उनको शेयर कर सकती हूँ, वो आराम से देख के बना भी सकते हैं। तो बस आज की हमारी मतलब अभी की यहाँ इस टाइम की बात इतनी थी। अब आप जाइए, अब आप आराम करिए, खाना वाना तो खा लिया आपने, अभी कोजी कोजी सा फील कर रहे होंगे ना, अब आप सो जाइए, रेस्ट करिए। हेलो, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं, शाम का टाइम हो रहा है, तो मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी और वॉकिंग नहीं शॉपिंग भी हो जाएगी और वॉकिंग भी, वॉकिंग बोलना है शाम के टाइम इतना अच्छा लग रहा है, दिखाती हूँ कितना अच्छा नज़ारा और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो किस तरफ चलना चाहिए, उस तरफ से चलेंगे हम लोग जिधर से हमारा ग्रॉसरी स्टोर आ जाए, वो तो किधर से भी आ जाएगा बट थोड़ा पास पड़े, मतलब निकलने से पहले एक भी बार अपने इस ब्यूटीफुल फेस को नहीं देखा था और अभी कैमरे में दिख रहा है तो लग रहा है इतनी पूरे बाल बाल वैसे खुले। हाँ, एनीवे तो हम लोग आज एक्चुअली हम बहुत टाइम बाद नीचे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद, पता ही नहीं चलता है कि मेरा दिन कहाँ जा रहा है और आज पता चला है कहाँ गया। नहीं, आज भी इसीलिए आना पड़ा, हाँ टाइम मिल ही गया क्योंकि ग्रॉसरीज बताया था ना, वेजिटेबल्स वगैरह कुछ नहीं है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। एंड अच्छा ही हुआ कि ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किया। पता है ऑनलाइन में क्या होता है कि वो जो कुछ चीज़ें हमें थोड़ी चाहिए रहती हैं तो वो थोड़ी मिलती नहीं है, उसमें बहुत सारा आ जाता है। अब मटर जैसी चीज़ तो कितनी भी जल्दी मतलब ख़त्म हो जाएगी मेरे साथ, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लगती हैं ना, तो मटर हर चीज़ में डल जाती है तो ख़त्म भी हो जाती है और हम कच्ची मटर भी खा लेते हैं तो छिलते छिलते तो वो सब ख़त्म हो जाता है, तो कुछ भी सलाद का भी सामान नहीं है, तो इसलिए लेना ज़रूरी है। और बस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है, वेस्ट नहीं भी होता है तो पुराना हो जाता है, जब फ्रेश मिल सकता है तो फिर रखा हुआ बनाने का क्या फ़ायदा क्या फ़ायदा, थोड़ा सा टाइम निकाल के नीचे आ सकते हैं। आ जाइए, फाइनली लोग अपने डॉग्स को भी वॉक करा रहे हैं। पहले लगा कि ये सीट मतलब ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो ये ज़्यादा ना हो जाए, बट बाहर निकल के सर्दी एक्चुअली लग रही है तो बहुत सा वाइज डिसीजन। ओके, हम लोग किस तरफ आ गए हैं, अच्छा भूलने का तो डर नहीं है यहाँ पे पढ़े लिखे होने का फ़ायदा, आप पूछ पूछ के भी जा सकते हो, पढ़ के भी जा सकते हो पार्क की तरफ चलते हैं, जो मेरे घर से दिखता है ना नियरेस्ट पार्क, तो वहाँ उस तरफ जाके थोड़ी देर मैं बैठूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, बच्चों को देखूँगी, फिर एक राउंड लूँगी, फिर ग्रॉसरीज लूँगी। आपको अपना थैला दिखाऊँ, थैला कहाँ रखा है दिखाती हूँ, ये मेरा थैला, ओह खुला भी हुआ है, अरे 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 इतनी ज़्यादा समझदारी, दिख रहा है इसमें है रुपया पैसा और मेरा थैला भी इसी में है, खुलिए बंद है कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। तय आज क्या किया मैंने, काम के टाइम पे थोड़ी सी मूवी देखी, मतलब सच में थोड़ी सी मूवी देखी और वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, मैंने क्योंकि पूरी नहीं देखी ना, जितनी देखी इंटरेस्टिंग लग रही है और आगे देखने का भी मन है, तो वीकेंड या कल मूवी ये सब चीज़ें ना मैं सेव करके रखना चाहती, मतलब रखती हूँ कि वीकेंड पे देखूँगी, बट वीकेंड तो और भी ज़्यादा बिजी ही होता है मेरा, वीकडे से भी ज़्यादा। तो वो मूवी का नाम है यशोदा, समंता की है, समंता जो एक्ट्रेस है ना बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी, तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग वो ज़रूर देख सकते हो, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। क्यों
क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह नहीं देखती हूँ, तो अगर कुछ पसंद आ रहा है मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आ रहा है उसको देखते, मस्त एक्टिंग है। चलो बाद में मिलते हैं, अभी थोड़ी देर बैठना नहीं है, अभी पहले सोचा था बैठेंगे बट देखा टाइम मतलब 6:15 हो रहा है, तो वैसे थोड़ी ज़्यादा देर भी आज हम लोग रह सकते हैं बाहर, नीचे वॉक ज़्यादा भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, बिकॉज आज ना तो मेरी आरती दीदी आ रही है ना मेरे दूध वाले भैया आ रहे हैं, और आरती दीदी की कहानी तो एकदम मस्त है। अगली बार बताऊँ या अभी बता दूँ? फिर थोड़ा बता दूँ, 3 छुट्टियाँ तो उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि उनको चाहिए, आई सेड ओके बस बता देना कब कब चाहिए, तो उस हिसाब से आई विल मैनेज। एंड देन उसके 3 छुट्टियां तो उन्होंने ली ही हैं, और कभी सुबह नहीं आना है, कभी शाम नहीं आना है, कभी कुछ, इस तरह से उनका चलता रहता है, तो ऐसे गायब रहती है। स्वैग है उनका भाई, स्वैग है। उनको पूछा कि आप शाम को आओगे कल, खुशी से देखती हूँ, तो मैं बोला वाह भाई वाह भाई, जलवे हैं मेरे दिमाग में है कि हाँ बेटा हम भी देख ही रहे हैं 1 महीने में इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ, बट अभी सिर्फ अकेले है ना, तो ठीक है इतने बर्तन नहीं होते ऐसा, और हाँ टाइम भी अपने हिसाब से कभी लेट आ रही है, थोड़ा ज़्यादा ही उनका हो गया, देखना पड़ेगा क्या करना है, बट अभी अगर कोई रहेगा तो फिर ये सब चीज़ें तो भाई नहीं चलेंगी, उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। मज़ा आता है, कल उन्होंने जिस एटीट्यूड में बोला देखती हूँ ओके मैं कॉल करूँगी, एंड कॉल भी नहीं किया, एडवांस पेमेंट भी लिया कि फ़ोन लेना है, फिर आप लोगों को फ़ोन नहीं हो पाता है ना, तो आई थॉट कि मतलब अभी आप नए ही आए हो हमारे यहाँ पे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और अगर हमारा एडवांस पेमेंट नहीं गया तो आप फ़ोन नहीं ले पाओगे। मज़ा आता है ये सब चीज़ों में। ग्रॉसरी शॉपिंग डन, टाटा। पूरा झोले में भर गया सामान, और सारा सामान लेने के बाद भी लिस्ट मैच करके लेने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, और वो पता है कहाँ याद आएगा घर पहुँचने के बाद, ये इसके आसपास स्टोर के आसपास रहने के बाद भी नहीं याद आएगा। अब सीधे घर चलना है, और मेरी वॉक भी बहुत स्लो हो रही है क्योंकि बताया नहीं बताया क्या नहीं बताया वॉक स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने बहुत टाइम बाद करीब 1-2 हफ्ते बाद अपना योगा स्टार्ट किया, एंड उसके बाद जो बैंड बजी है ना बॉडी की, तो आज फिर भी बेटर है, थोड़ा पैर आगे जा पा रहे हैं, अदरवाइज ऐसे ऐसे कछुए की तरह रेंगते रेंगते आगे चलना हो पा रहा था, देख रहे हो आप गजोदर की तरह बैग ले ऐसे वैसे इतना भारी नहीं है, खाने पीने का ही सामान है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है मेरे पैरों की, अगर छूट जाए ना योगा आपका 4 दिन के लिए भी योगा या कुछ भी जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम वॉकिंग, तो आपकी बॉडी ऐसे हो जाती है जैसे वो जानती नहीं है आप क्या कर रहे हो उसके साथ, वो ऐसे बिहेव करती है। चलो अब हम लोग मिलेंगे घर पे, मिलेंगे घर पहुंचने के बाद में। ये हर बार का स्ट्रगल है मेरा, कैसे करूँगा, खोलने के बजाय उसको और अच्छे से लॉक कर दिया, और गेट की मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ ये मेरा ही फ्लैट है ना, किसी और के फ्लैट में तो नहीं है, हर बार का है ओके। अच्छा पता है मुझे और भी चीज़ें लेनी थी, जैसे ड्राई वो जो रेड चिली आती है ना ड्राई वाली, वो लेनी थी जिसका तड़का लगता है, और उसमें प्राइस देखा तो उसका MRP जो भी रहा हो, उन्होंने MRP कुछ 40 समथिंग था, उसको काट के 54 लिखा हुआ था, ठीक है, और ऐसे ही उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के साथ किया हुआ था, इसलिए वो मैंने छोड़ दिया, नहीं मुझे नहीं लेना, ऐसे क्यों कर रहे हो, जो अगर चीटिंग करनी है तो ठीक से करो ना, दिख क्यों रहा है, दिखना नहीं चाहिए ना, वो दिख रहा है 40 है, उसको बकायदा काट के 54 या 60 किया हुआ है, तो दिखेगा तो थोड़ी ऐसे ले सकते हैं। और सब्जी वाले भैया ने बोला, उन्होंने मुझे धनिया और हरी मिर्च फ्री दी है
बाकी सा जैसे ही उन्होंने बोला फ्री दी है तो मेरे मुंह से निकला, मतलब मैंने बोला आपने बाकी सब्जियों में बढ़ा दिया होगा ना। बिल्कुल भरोसा नहीं है ना कि अभी आज के टाइम में कोई आपको कुछ भी फ्री दे सकता है। एनीवे तो हम लोग पहुंच गए हैं और अपने फ्लैट पे हम आ चुके हैं। अभी मेरा दिन बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ, एक्चुअली अभी मेन दिन शुरू हो रहा है मेरा। तो अभी मेरे बाहर के मैंने आप लोगों को घुमा दिया अपना घर। तो अभी मेरे सारे बाहर के क्लाइंट्स जग चुके होंगे तो उनसे बात करनी है, फॉलो अप एंड ऑल। इंडिया के क्लाइंट्स को मैं ऑलरेडी प्यार दुलार दे चुकी हूँ, उनका आज का कोटा बस खत्म, अब उन्हें कल मिलेगा प्यार और दुलार मेरा। और इसी बीच में मैं अपना खाना भी डिनर भी प्रिपेयर कर लूंगी, जो बनने वाला है पालक दाल, काली वाली दाल के साथ जो बनता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो मैं अपने स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगी और उसे एंजॉय करूंगी। आप लोग भी अपना डिनर एंजॉय करिए, हम लोग मिलेंगे जल्दी ही। टाटा बाय बाय।